बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे जो सवाल पूछा है वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के बारे में पूछा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो अहम मसले हैं वो बेरोज़गारी का मसला है। वालिदैन बच्चों को लाखों रुपए खर्चा करके अपनी जमा पूंजी खरीद करके पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद वो यहाँ जब आ जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो जितनी ज़मीनें थी वो जो है ना उन पे लोगों ने इस तरह किया है, मकानात बनाए हैं, मकानात बना के जो है ना वो किराए पे चढ़ाए हुए हैं, तो ज़मींदारी भी ख़त्म हो चुकी है। जबकि जो सबसे बड़ा मसला है कारोबार, कारोबार पे एक करीबी हमारा सूबा है सूबा सरहद जिसका पहले नाम था आपके पीके कहते हैं, वहाँ के लोगों ने आके सारा कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया है। करने की वजह से गिलगित के जो लोकल दुकानदार जो लोकल लोग हैं वो जब कारोबार करने के लिए मार्केट पे जाते हैं, दुकान कर किराए पे लेने की कोशिश करते हैं, तो वो 10,000 रुपये जहाँ किराया देना चाहते हैं तो वो दूसरे जो सूबे के हमारे बड़े वहाँ पर जो उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, हमारे लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, नहीं होने की वजह से वो जो है ना वो 10,000 या 12,000 तो जो हमारे सूबे नज़दीकी सूबे वाले जो है वो 20,000-30,000 किराया दे के वो दुकान उठा लेते हैं। तो इसके अलावा एक और मसला था यहाँ पर, पहले लोग हज़ारों की तादाद में जाके हमारा जो हमसाया मुल्क है चाइना वहाँ से सामान लाके अपना गुजारा चलाते थे, तो डॉलर का रेट चढ़ गया और दूसरे मसाए जो वहाँ पर कस्टम है उसका जो है ना उन्होंने रेट बढ़ा दिया, बढ़ाने की वजह से जो छोटे कारोबारी थे उनका कारोबार टोटली ख़त्म हो चुका है, चंद बड़े जो कारोबारी हैं उनके हाथ में चला गया है। तो उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और मसाइले, बिजली यहाँ पर नहीं है, अच्छा ईंधन जो है ना बहुत महंगा में, और दूसरी बाज़ार की चीज़ें वो आसमान पे चली गई और लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं।